इंडिया में इस समय सभी के दिलों में और दिमागों में सिर्फ स्त्री और आज की रात की गाने चल रहे हैं। इस गाने ने और इस मूवी ने इंडिया में पूरा तबाही मचा के रख दिया है। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इस गाने के बिहाइंड द सीन को और उसी के साथ इस पूरे मूवी के बिहाइंड द सीन को और जानेंगे कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट जो आपको बिल्कुल नहीं पता होगा। तो प्लीज वीडियो के एंड तक बने रहना और कमेंट में ये बताना ना भूलना कि आपका फेवरेट पार्ट कौन सा था। हम सबसे पहले देखने वाले हैं आज की रात की गाने के पूरे बिहाइंड द सीन को। अगर आपने इस मूवी को देखा होगा या फिर ना भी देखा होगा तभी भी आपको ये सॉन्ग तो याद ही होगा। जिन्होंने भी इस मूवी को नहीं देखा है मैं आपको बता दूं, ये सॉन्ग सिचुएशनल सॉन्ग है, यानी कि ये सॉन्ग के स्टार्ट होने से लेकर एंड होने तक ये स्टोरी से जुड़ी रहेगी। तमन्ना भाटिया ने इस गाने में चार चांद लगा के रख दिए है। इस गाने में इन्होंने कितनी अच्छी तरीके से रोल निभाया ये तो आप सभी को पता ही होगा। इस गाने के लिए उन्होंने बहुत ही मेहनत किया था जिसका आप बिहाइंड द सीन देख सकते हो कि वो कितना ज्यादा प्रैक्टिस करते थे। उसी के साथ मैं आपको बता दूं ये गाना काफी मोशन में और आप डांस देख सकते हो कि कितना फास्ट किया जा रहा है, इसके वजह से इनको काफी ज्यादा ट्रेन करना पड़ा था। इस गाने को स्पेशली शूट किया गया था एक स्टूडियो में जहां पर आप देख सकते हो कैसा सेट बनाया गया। इस गाने को देख के आपको लगा होगा कि इस गाने को मुंबई या फिर हैदराबाद में शूट किया गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इस गाने को मध्य प्रदेश के भोपाल सिटी में शूट किया गया था जहां पर उस समय काफी ठंड था। वहां पर 5 डिग्री सेल्सियस से भी कम टेम्परेचर था, यानी कि आप समझ सकते हो कि वहां पर कितना ठंड था। बिहाइंड द सीन में आप देख सकते हो जैसे ही एक शॉट खत्म होता था वैसे ही तमन्ना को कपड़े पहनाए जाते थे। बाकी आप क्रू मेंबर्स को देख सकते हो कि उन्होंने कैसे ठंडियों वाले कपड़े पहने और वहीं पर तमन्ना को आप देख सकते हो कि उन्होंने क्या पहना था। इस गाने के शूटिंग के समय तमन्ना का बर्थडे था जहां पर इसी सेट पे उनके बर्थडे को भी सेलिब्रेट किया गया था। सेट पे तमन्ना के साथ साथ विजय वर्मा भी थे जो वहां पर उस सेट में बर्थडे सेलिब्रेट करते समय थे। इस गाने को सबसे पहले यही सोचा गया था कि मुंबई में शूट हो, लेकिन बाद में ये डिसाइड किया गया कि इस गाने के बाद ही एक रियल शूटिंग होने वाली है और इसीलिए इस गाने की शूटिंग भोपाल में ही हुई थी जहां पर इस गाने को खत्म होते ही आपने सरकटा की एंट्री देखी होगी। सरकटा का इस मूवी में क्या रोल था ये तो आप सभी को पता ही होगा। तमन्ना के बाद अगर इस मूवी पे किसी ने चार चांद लगाया है तो वो कोई और नहीं सरकटा था। सरकटा की सबसे पहले सर वाली एंट्री तो हमको याद ही होगी जहाँ पर ये लड़की जब अकेले सिगरेट पी रही होती है वहीं पर सरकटा की एक कमाल की एंट्री होती है। लड़की के पास सरकटा ऐसे आता है कि लड़की को लगता है कि ये कोई गेंद है, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि ये भाई एक सरकटा है जो उसको खींचते रहता है। ये सीन मूवी में देखने के बाद हमें बहुत ही मजा आया था, लेकिन जब आप इसका बिहाइंड द सीन देखोगे तो आपको और भी मजा आएगा जहाँ पर आप देख सकते हो कि सीन को कैसे उस गली में शूट किया जा रहा है। इस लड़की के चारों तरफ आप देख सकते हो कैसे केबल को लगाया गया था, क्योंकि सीन में हमें ये दिखाया गया है कि इस लड़की को सरकटा सीधा हवे में लेके चले जाता है और बिहाइंड सीन में आप देख सकते हो कि इस लड़की को कैसे सरकटा के हेल्प से हवे में दिखाया गया है। बाकी आप सरकटा को भी देख सकते हो कैसे उसे VFX हेल्प से बनाया गया था। एक सर जैसे ऑब्जेक्ट को आप देख सकते हो कैसे ब्लू स्क्रीन का पर्दा लगाया गया था, उसके बाद ब्लू स्क्रीन को हटाकर वहां पर एक जीता जागता चेहरा हमें दिखाया गया था। आपको ये याद होगा कि सरकटा को मूवी में कितना बड़ा दिखाया गया है, लेकिन जब हम रियल में सरकटे को देखेंगे तो भाई वो भी उतने ही बड़े हैं। सुनील कुमार को आप देख सकते हो इन्होंने सरकटा का रोल निभाया था, वो बाकी एक्टर से कितने बड़े हैं ये भी आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। इनके चेहरे को भी आप देख सकते हो कैसे सरकटे से मैच हो रहा है, इनका फेस पूरी तरह मैच हो उसके लिए इनका CGI निकाला गया था जहाँ पर आप देख सकते हो कैसे एक CGI को एक रियल फेस में कन्वर्ट किया गया है। सरकटा की आप कुछ शूटिंग भी देख सकते हो जहाँ पर आप देख सकते हो कैसे एक स्टूडियो में इस सीन को शूट किया जा रहा है। स्टूडियो में आपको एक डरावना सेट तो देखने मिला ही होगा, उसी के साथ आप ये भी देख सकते हो कैसे चारों तरफ ब्लू स्क्रीन को लगाया गया है। साथ ही साथ आप सुनील कुमार को भी देख सकते हो कि कैसे वहाँ पर वो कॉस्ट्यूम पहन के खड़े हैं। वैसे तो इनका रोल मुझे मूवी में बहुत ही ज्यादा पसंद आया था, आपको कैसा लगा था ये मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो चलिए अब मैं आपको लेके चलता हूँ उस बिहाइंड द सीन के ऊपर जिसके वजह से इस मूवी को बनाया गया। स्त्री जो हमें मूवी में दिखाया गया है वो काफी डेंजरस हमको दिखाया गया है। अगर आप मेरी पहले की वीडियोस देखते होंगे तो आपको ये लगता होगा कि इसे भी VFX की हेल्प से बनाया गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। स्त्री जो इस मूवी में हमें दिखाई गई है ये एक रियल एक्टर है जिन्होंने पूरे के पूरे डरावने सीन को खुद ही शूट किया है। इस एक्टर का नाम है फ्लोरा साइनी जो इस मूवी में बहुत ही बड़ा रोल क्रिएट किए हैं। इन्हें स्त्री की शूटिंग करते हुए आप देख सकते हो बिहाइंड द सीन में ये कितनी ज्यादा डरावनी लग रही है। कहीं कहीं पर VFX का हेल्प लिया गया है जहाँ पर इनके फेस पे थोड़ी बहुत VFX का हेल्प लिया गया था। इनके फेस पे आप देख सकते हो कैसे छोटे छोटे स्टिकर को लगाया गया जिसके हेल्प से थोड़े बहुत VFX का यूज लिया गया था। ये सीन तो इनका मूवी में बहुत ही ज्यादा खतरनाक था ही, लेकिन इसके साथ साथ एक और सीन था जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा था। आपको याद होगा कि मूवी में स्त्री कैसे गलियों से गुजरती थी, उस सीन का आप पूरा बिहाइंड द सीन अपने स्क्रीन पे देख सकते हो जो पूरा का पूरा रियल लग रहा है। क्रेन के हेल्प से इनको एक गली से दूसरी गली में लेके जाया जाता था जहाँ पर आप देख सकते हो कि ये बिहाइंड द सीन में भी कितनी खतरनाक लग रही है। इस मूवी का जो पहला सॉन्ग था उसे तो सभी लोगों ने बहुत ही ज्यादा पसंद किया था, और क्यों पसंद किया था ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसी तरीके से इनका दूसरे सॉन्ग को भी बहुत ज्यादा पसंद किया गया था।
जहाँ पर आई नहीं को जो इस मूवी में लास्ट सॉन्ग था और बहुत ही ज्यादा मजेदार था। इस सॉन्ग के भी बिहाइंड द सीन बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है जो आपको मैं अभी दिखाने वाला हूँ। इस गाने की शूटिंग बहुत ही ज्यादा मजेदार हुई थी जहाँ पर एक स्टूडियो में कुछ ऐसा सेट बनाया गया था। रियल खेत तो इनको मिल नहीं रही थी इसलिए आप देख सकते हो कि इन्होंने कैसा खेत बना दिया था। आप गाने को एक तरफ रख के और गाने के बिहाइंड सीन को एक तरफ रख के अगर आप इसे देखोगे तो आपको गाने के बिहाइंड सीन से बहुत प्यार हो जाएगा। सेट पे आप यहाँ पर देख सकते हो ग्रीन पर्दे ब्लू पर्दे का यूज नहीं किया गया, यहाँ पर व्हाइट पर्दे का यूज किया गया था। उसी के साथ इनको जो कलर चाहिए था बैकग्राउंड में उस कलर को इन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाया है। बाकी आप पूरे सेट की खूबसूरती को देख सकते हो कि उसे कितने अमेजिंग तरीके से बनाया गया है। इस गाने की शूटिंग 4 से 5 टेक में की गई थी जहाँ पर आप देख सकते हो कि मास्टर इनको कैसे समझा रहे कि आपको किस तरीके से डांस करना है। ये गाना भोजपुरी सिंगर और भोजपुरी एक्टर पवन सिंह का है जिन्होंने बॉलीवुड में सबसे पहला कदम रखा है अपना इस गाने से। ये तो थे इस मूवी के गाने की शूटिंग, लेकिन आपको याद होगा कि इस मूवी में वरुण धवन को भी दिखाया गया। आपको ये तो पता ही होगा कि स्त्री 2 मैटॉक फिल्म का 4th पार्ट है। इससे पहले भेड़िया भी आ चुका है जो वरुण धवन का था और इसीलिए वरुण धवन का यहाँ पर छोटा सा कैमियो दिखाया गया। वरुण धवन यहाँ पर आते हैं और छोटा सा मार धाड़ करके यहाँ से चले जाते हैं, जिसका बिहाइंड सीन आप देख सकते हो कि उसी स्टूडियो में कैसे ब्लू स्क्रीन के सामने इस सीन को पूरा शूट किया गया था। उनकी इस एंट्री के बाद अब मैं ये समझ गया हूँ कि ये फिल्म अब और भी ज्यादा आगे बढ़ने वाली है। तो चलिए अब हम इस मूवी के बिहाइंड सीन को थोड़ा पीछे ढकेलते हैं। अब हम बात करते हैं इस मूवी के हाइप के बारे में। स्त्री 2 के अनाउंसमेंट के बाद इतनी हाइप तो इस मूवी को नहीं मिली थी। सभी लोगों को ये लगा था कि अब स्त्री 2 में क्या ही होगा, स्त्री 1 में जो हो चुका था वो सब लोग देख चुके थे। लेकिन तमन्ना भाटिया के कमाल के सॉन्ग रिलीज के बाद ये मूवी बहुत ही बड़ी हाइप में आ चुकी थी, जहाँ पर उनकी एंट्री होने के बाद इस मूवी को बहुत ही बड़ी हाइप मिल चुकी थी। इस मूवी को बाहर कंट्री में प्रमोट नहीं किया गया था, इसे इंडिया में बहुत ही ज्यादा प्रमोट किया गया था, जहाँ पर पवन सिंह, तमन्ना और बाकी लीड एक्टर सभी लोग इसे प्रमोट करने के पीछे पड़े थे। इस मूवी को बहुत ही ज्यादा प्रमोट करने का सिर्फ एक ही रीजन था, क्योंकि इस मूवी के साथ 4 से 5 मूवी निकलने वाली थी। सबसे पहले ये लगा कि ये मूवीज आपस में लड़ जाएगी और किसी का भी फायदा नहीं होगा, लेकिन बाद में इस मूवी के इस 2 सॉन्ग को निकालने के बाद बाकी मूवीज के साथ इस मूवी का टक्कर ही खत्म हो गया। इस मूवी के साथ छोटे मोटे मूवीज नहीं, बड़े बड़े एक्टर्स की मूवीज आने वाली थी, जहाँ पर सबसे पहली मूवी विक्रम की थंगलन, फिर अक्षय कुमार की खेल खेल में, उसके साथ रवि तेजा की मिस्टर बच्चन, उसी के साथ साउथ की एक मूवी जिसका नाम था डबल स्मार्ट, और फिर सबसे खतरनाक मूवी जॉन अब्राहम की वेदा। ये सभी मूवी में से कुछ मूवीज तो उसी सेम डेट पे रिलीज हो रही थी और कुछ मूवीज तो आगे पीछे, लेकिन फिर भी पब्लिक की तरफ से सबसे ज्यादा पसंद करने वाली मूवी बनी थी स्त्री 2। वैसे तो इस मूवी की बजट 60 करोड़ थी। सभी को ये बजट सुनने के बाद सबको यही लग रहा था कि ये बजट भी नहीं पार कर पाएंगी, लेकिन इस मूवी ने निकलने के बाद बहुत ही बड़ा तहलका मचा दिया। इस मूवी ने पहले ही दिन पे इंडिया में 76 करोड़ की कमाई की थी। वहीं तक इस मूवी ने अब तक की कमाई 430 करोड़ की कर चुकी है। ये कलेक्शन तो सिर्फ इंडिया का है, और अगर वर्ल्ड वाइड बोला जाए तो भाई इस मूवी ने 600 करोड़ की कमाई कर चुकी है। वैसे तो इस मूवी को 10 में से 7 की रेटिंग दी गई है, लेकिन अगर आपने मूवी को देखा होगा तो आपको कितना लगता है कि इस मूवी को 10 में से कितनी रेटिंग देनी चाहिए, ये मुझे कमेंट में जरूर बताना। बाकी ओवरऑल अगर इस मूवी के बारे में बात करेंगे तो भाई अभी तक अगर आपने इस मूवी को नहीं देखा है तो प्लीज जाइए इस मूवी को देखिए, बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट है और बहुत ही मजेदार है। बाकी ये था आज का हमारा वीडियो जहाँ पर हमने आपको दिखाया स्त्री 2 के पूरे बिहाइंड द सीन को। जिसे आपने यहाँ तक देखा है तो मुझे पूरा भरोसा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे कंटेंट मैं आपके लिए हमेशा लेके आते रहूंगा। बाकी आपके राइट लेफ्ट में एक ना एक मूवी के बिहाइंड द सीन का वीडियो आता होगा, जिसे आप देखकर वहाँ पर भी अपना एंजॉयमेंट ले सकते हो। क्योंकि इस वीडियो के बाद मैं आपको मिलने वाला हूँ अगली वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।